हालांकि ज्यादातर बैक्टीरिया जो कि मुंह में मौजूद होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम या प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देते हैं, किंतु कुछ असामान्य और अस्वस्थ बैक्टीरिया हमारे शरीर को अस्वस्थ बनाते हैं। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले स्ट्रेप्टोकोकाई नामक बैक्टीरिया मुंह में पाए जाते हैं। मुंह में पाए जाने वाले स्ट्रेप्टोकोकाई नामक बैक्टीरिया के मूलतः चार स्पीसीज पाए जाते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटांस, स्ट्रेप्टोकोकस सैलिवेरियस, स्ट्रेप्टोकोकस एंजियोनोसिस और स्ट्रेप्टोकोकस माइटिस। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटांस सबसे अधिक मात्रा में हमारे मुंह के अंदर पाए जाते हैं। दांत के सड़न और दांतों के बनावट में क्षति पहुंचाने में स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटांस का सर्वाधिक रोल पाया गया है। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटांस एसिड और एंजाइम के प्रोडक्शन में सहायक होता है। ये एसिड हमारे इनेमल को क्षय करते हैं एवं हमारे दांतों में सड़न पैदा करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे पुअर ओरल हाइजीन यानी कि अस्वस्थ दांत और मसूड़ों के कारण होने वाले हृदय रोगों के बारे में। हृदय के रोगों में एक प्रमुख कारण है बैक्टीरिया। बैक्टीरियल इन्वेजन के कारण हृदय के कई रोग होते हैं। ऐसा माना जाता है कि पुअर ओरल हाइजीन या अस्वस्थ मसूड़ों में से जमा प्लाक और कैलकुलस में मौजूद असंख्य बैक्टीरिया एथेरोस्क्लेरोसिस के द्वारा हृदय की धमनियों तक पहुंचते हैं एवं हृदय को भी इन्फेक्ट करके उनमें पाए जाने वाले रोगों के कारक बनते हैं। मसूड़ों में सूजन की वजह से ही हृदय के धमनियों में भी सूजन पाए जाने की आशंकाओं को नकारा नहीं जा सकता है। ऐसा पाया गया है कि जिस तरह के सूजन और इन्फ्लेमेशन अनहाइजीनिक और पुअर ओरल हाइजीन से युक्त मसूड़ों में पाए गए हैं, उसी प्रकार के सूजन हृदय के धमनियों एवं कैपिलरीज में भी पाए गए हैं, जिसकी वजह से हृदय के रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसा देखा गया है कि शारीरिक सूजन और इन्फ्लेमेशन के कारण शरीर में सी रिएक्टिव प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ जाती है। हम सीआरपी टेस्ट द्वारा सी रिएक्टिव प्रोटीन्स की मात्रा का आकलन कर सकते हैं, जिससे हृदय के रोग जैसे कि हार्ट अटैक का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। इस जानकारी को हम डेंटिस्ट या अन्य फिजिशियंस की मदद से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मसूड़ों में सूजन और हृदय की धमनियों में सूजन एक दूसरे से रिलेटेड हैं। दोनों ही कंडीशंस में सीआरपी टेस्ट पॉजिटिव होते हैं, इसलिए आवश्यक है हमें एक स्वस्थ मसूड़ों और स्वस्थ मुंह को डेंटिस्ट द्वारा बनाए रखने की। इन हृदय रोगों से निजात पाने के लिए आवश्यक है कि हम अपने मसूड़ों का ख्याल रखें। मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए हमें दिन में कम से कम दो बार ब्रश करना आवश्यक है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम मसूड़ों पर एवं दांत पर प्लाक, कैलकुलस आदि बैक्टीरिया युक्त पदार्थ जमने न दें। इसके लिए हमें 6-6 महीने पर डेंटिस्ट या पेरियोडोंटिस्ट द्वारा स्केलिंग यानी दांत की सफाई करवाना अनिवार्य है।